गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गाढ़े खोट, अंदर हाथ संभार के बाहर चोट। मिट्टी मोटी मिट्टी आती है, उसको बाद में घर पे जब गिर जाती है तो उसको फैलाते हैं, सुखाते हैं। सुखाने के बाद डंडे से कूटते हैं, डंडे से कूटाने के बाद फिर उसको छनाई करते हैं, बारीक अलग करते हैं, मोटी अलग करते हैं, फिर उसको उसमें पानी डालते हैं, बारीक से उसको टाइट करते हैं। उसके बाद में आटा की तरह उसको गूंथते हैं, फिर उसको चाट बनाते हैं। चाट को बनाने के बाद में उसकी पिटाई करते हैं मटके की। तो हमारे पास एक थापा होता है गोल सा, तो उससे हम पिटाई करते हैं उसकी। तो उसको पीट पीट के पटा बना देते हैं। डिजाइन तो सूखने के बाद में जो तैयार हम कर देते हैं तो उसको सूखा करने के लिए धूप में रखना पड़ता है, और धूप में रखने के बाद में जब वो सूख जाता है ना तो उसको जब लाल रंग करना पड़ता है, लाल रंग करने के बाद में लाल रंग जब सूख जाता है पीछे उसकी चिताई करनी पड़ती है काले रंग से और सफ़ेद रंग। सूख जाते हैं फिर वो सुखाने के बाद में 5-4 दिन का जब माल मटके बन जाते हैं जब उसको भट्टी में पकाते हैं, भट्टी में उतार देते हैं उसको, और उसमें बलिता डालते हैं, ऊपड़े डालते हैं, लक्कड़ डालते हैं, वो तो करीब 6 घंटे में जाके तैयार होते हैं। शाम को पकड़ते हैं, सुबह ही वो तैयार हो जाते हैं, फिर निकाल के भी किसी को दे देते हैं। ये